क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी बीसीसीआई ने रिवील कर दिया है, जहां पर 31 मार्च 2023 से भारत के 12 अलग अलग स्टेडियम्स में होम एंड अवे फॉर्मेट के साथ हमें टाटा आईपीएल 2023 देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेजर इंजरीज के चलते तीन बहुत ही बड़े खिलाड़ी, करोड़पति खिलाड़ी आईपीएल 2023 से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं, जिसके चलते उनकी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजियां फिलहाल बहुत ही बड़ी मुसीबत में नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, उन फ्रेंचाइजियों की तरफ से उन तीनों ही खिलाड़ियों की ऑफिशियल रिप्लेसमेंट्स के ऊपर हमें बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिले हैं, और इस वीडियो में हम उन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, जहां पर भी आप सभी को पता है इस टीम के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल 2023 से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। रीजन आप सभी को पता है कि अभी से कुछ दिन पहले उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा मेजर गंभीर इंजरीज का शिकार हुए थे, और अब उनको कमबैक करने के लिए लगभग यहां पर 6 से 7 महीने का टाइम लगने वाला है, जिसके चलते आईपीएल 2023 से वो पूरी तरह से टोटली रूल्ड आउट हो चुके हैं। हालांकि इस टीम में उनको रिप्लेस करने के लिए, प्लेइंग 11 में रिप्लेस करने के लिए इस टीम ने नीलामी के दौरान 2 करोड़ रुपए में फिलिप साल्ट को परचेज किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने यहां पर उनकी आइडियल रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि हमें यहां पर आपके सौरव गांगुली की तरफ से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स देखने को मिली, जहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ विकेट कीपर बल्लेबाज है जो दिल्ली कैपिटल्स की रडार में है, और आने वाले कुछ टाइम उनकी ऑफिशियल रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहे राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर, जिस टीम के बहुत ही शानदार युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा भी अपनी गंभीर इंजरी की वजह से आईपीएल 2023 से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी उनके रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट करने में मतलब इतना इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है, और ऐसा हो सकता है भाई यहां पर कोई उनकी फिलहाल मतलब उनका फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं कि वो किसी नए खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल करे, यानी वो यहां पर अपने पर्स बैलेंस को बचाना चाहते हैं। खैर दोस्तों, जैसे यहां पर रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट होती है, फिर प्रसिद्ध कृष्णा के रिगार्डिंग हमें नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, 6 फीट 8 इंच का इस टीम का सबसे महान शानदार खिलाड़ी, जिसको नीलामी के दौरान उनके बेस प्राइस में इस टीम ने एक परचेज किया था, जहां काइल जेमिनसन के मैं यहां पर बात कर रहा हूं, पिछले आईपीएल के वो मतलब बिकने के मामले में हीरो रहे थे, अब की बार दाम कम थे लेकिन उनके काम बहुत ही बड़े हैं, काम से वो जाने जाते हैं, जबरदस्त गेंदबाजी वो कराते हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीएल 2023 की शुरुआत से पहले वो गंभीर इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसके चलते सीएसके ने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भी अब आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सीएसके ने उनकी आइडियल रिप्लेसमेंट की तलाश यहां पर शुरू कर दी, और भाई फिलहाल जो कुछ सोर्सेज ऐसा क्लेम करेंगे भाई, चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी श्रीलंकन टीम के कप्तान दशरथ सनका के साथ कुछ मतलब कन्वर्सेशन में है, और भाई फिलहाल ऐसी खबरें निकल कर आ रही भाई दशरथ सनका उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम चेन्नई सुपर किंग को ज्वाइन करने वाली है। तो दोस्तों, ये तीन बड़े खिलाड़ी आईपीएल से रूल्ड आउट हो चुके हैं, तीनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के ऊपर जो बड़े अपडेट्स निकल कर आए थे उनके बारे में हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मुताबिक कौन कौन होना चाहिए इन सभी खिलाड़ियों की आइडियल रिप्लेसमेंट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।